5:30 PM को, हेलो मैम, विटिलिगो एंड वाइट पैचेस में डिफरेंस है क्या एंड ट्रीटमेंट बताइए। वेलकम टू थिंक पिल, मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, व्हाइट पैचेस और विटिलिगो ये दोनों अलग चीजें हैं। व्हाइट पैचेस जो होते हैं वो एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जिसको हम लोग टीनिया वर्सिकुलर बोलते हैं, और विटिलिगो एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे कि लूपस होता है, या बॉडी में एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन हो जाता है जिसमें बॉडी अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है। बॉडी अपने आप ही अपने खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अगर कोई स्टिम्यूलस होता है, जैसे कोई टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं या किसी भी तरह का म्यूटेशन या ऐसा कुछ होता है, तो ये प्रोसेस होता है। तो जो वाइट पैचेस होते हैं या फिर जो टीनिया हम लोग कहते हैं, टीनिया वर्सिकुलर, तो ये जैसे मैंने कहा एक फंगल इन्फेक्शन है। ये दिखने में भी ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। जो फंगल इन्फेक्शन वाले जो वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट पैचेस होते हैं, वो छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह दिखते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा भी पैच होता है तो वो प्योर वाइट कलर का नहीं होता, हल्का सा गुलाबी रंग का या फिर हाइपो पिगमेंटेड, यानी कि चमड़ी से थोड़ा सा हल्का कलर का दाग होता है। जबकि विटिलिगो का जो दाग होता है वो एकदम ही दूध की तरह सफ़ेद होता है। और एक अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद दाग होता है वो छोटी साइज में होता है, और जो विटिलिगो का जो दाग होता है वो काफ़ी बड़ा साइज का होता है। और जैसे हम लोग नक्शे, हम लोग बोलते हैं मैप के जैसा पैटर्न, मतलब जैसे नक्शे होते हैं, ज्योग्राफी के मैप्स होते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और काफ़ी बड़ा पैच होता है विटिलिगो का। अभी ये दोनों कंडीशंस जो है दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन ये दोनों कंप्लीटली अलग है, दोनों का ट्रीटमेंट्स भी कंप्लीटली अलग है। वन मोर डिफरेंस बिटवीन द टू इज कि जो टीनिया वर्सिकुलर यानी कि जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से सफ़ेद दाग होता है, उसमें खुजली होती है या फिर डैंड्रफ जैसा एकदम बारीक बारीक सफ़ेद जैसा ऐसा पाउडर जैसा निकलता है, जिससे हमको पता चलता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन विटिलिगो में ऐसा नहीं होता। विटिलिगो में स्किन है वो नॉर्मल ही होती है या ज़्यादा स्मूथ दिखने लगती है, एकदम शाइनिंग स्किन लगती है। और विटिलिगो जो भी एरिया ऑफ द स्किन को कवर करता है वहाँ पे जो बाल होते हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। जबकि फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसमें भले वाइट पैचेस हो, लेकिन उसमें जो बाल होते हैं वो सफ़ेद नहीं होते। हालांकि बाल हल्के हो जाते हैं, हेयर फॉल भी होता है, लेकिन उसमें बाल सफ़ेद नहीं होते। अब ये दोनों की अगर ट्रीटमेंट्स की बात करें तो फंगल इन्फेक्शन का ऑब्वियसली ट्रीटमेंट है एंटी फंगल मेडिसिन, जिसमें हम लोग फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल या फिर टर्बिनाफिन देते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, लोशंस होते हैं, क्रीम्स होते हैं। अगर पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे है तो हम लोग एक टैबलेट्स का कोर्स भी करते हैं, जनरली टर्बिनाफिन के मेडिसिन या फ्लूकोनाजोल का एक शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं टैबलेट्स का, जिससे वो फंगल इन्फेक्शन कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। कई बार अगर लोगों को बाल में भी ऐसा होता है टीनिया वर्सिकुलर, तो उसमें हम लोग जब कीटोकोनाजोल का जो सेल्सन शैम्पू या निजराल शैम्पू अगर यूज करते हैं पेशेंट्स, तो उनको को फायदा हो जाता है। विटिलिगो का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। विटिलिगो का कंप्लीट इलाज बिल्कुल भी नहीं है, विटिलिगो का इलाज नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी कहता है, कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर्बल या कोई भी आपको कहता है कि विटिलिगो का इलाज है, तो प्लीज़ आप ये मत मानिए, क्योंकि विटिलिगो का कोई भी इलाज नहीं है। आपके पैसे वेस्ट मत कीजिए, उसका सिर्फ एक और एक ही इलाज है, और वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और दूसरी एक उसकी स्पेशल एक मेडिसिन आती है जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्लेन। अब ये मेडिसिन स्पेशली विटिलिगो के लिए है, और ये मेडिसिन इस्तेमाल, ये एक्चुअल में बहुत स्ट्रांग मेडिसिन है, लेकिन ये इस्तेमाल करने के बाद पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत फैंटास्टिक थेरेपी आई है, जिसमें सच में मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स और मैक्सिमम अच्छे इफ़ेक्ट्स है, और वो है अल्ट्रावायलेट बी की थेरेपी, जिसको हम लोग फोटो थेरेपी कहते हैं। इसमें
प्रॉपरली फोकस्ड अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, जैसे हम मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे हम लोग अगर धूप में निकलते हैं तो हमारी चमड़ी कैसे काली पड़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सन टैनिंग, वो क्यों होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होता है। तो सेम यही प्रोसेस को विटिलिगो में यूज़ किया जाता है। तो विटिलिगो में जो सफ़ेद पैचेस होते हैं उसके ऊपर फोकस करके अल्ट्रावायलेट लाइट फेंकी जाती है और वो एरिया जो है वो नॉर्मल स्किन कलर का हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर वो इतना सिंपल भी नहीं है, उसके ऊपर दूसरे क्रीम्स लोशंस वगैरह भी लगाने होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर भी लगाते हैं ताकि वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से स्किन कैंसर ना हो। लेकिन ये जो थेरेपी है इससे विटिलिगो का काफ़ी अच्छा इलाज होता है। टीनिया वर्सिकुलर या फिर फंगल इन्फेक्शन वाला सफ़ेद पैच और विटिलिगो का सफ़ेद पैच, ये दोनों ही बीमारियां हैं और ये दोनों ही बीमारियां चेपी नहीं है या कंटेजियस नहीं है किसी के छूने से। कई बार हम लोग देखते हैं कि अगर लड़की की शादी होने वाली होती है और अगर उसको विटिलिगो होता है तो सब लोग मना कर देते हैं कि हम लोग शादी नहीं करेंगे क्योंकि उसको कोड है तो हमको भी हो जाएगा या फिर इसके होने वाले बच्चों को भी होगा। लेकिन ये गलत बात है। विटिलिगो या फिर टीनिया या फंगल इन्फेक्शन ये बिल्कुल भी चेपी नहीं है और ये जेनेटिकली इनहेरिट भी नहीं होता। ओके, तो आई होप यू गॉट योर आंसर। ये दोनों की अच्छी तरह से अभी आजकल के 21st सेंचुरी में तो दोनों की बहुत इजी और अच्छी ट्रीटमेंट है, लेकिन सिर्फ आप एक प्रॉपर अच्छे वेल क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अगर जाओगे तो उसका पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। ऑलराइट, के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ प्रतिक्रिया या प्रश्न हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको इस वीडियो से महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो और आप इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं इस तरह की वीडियोस पोस्ट करूँ। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।